ओए, वीडियो प्ले कर चुके हो तो अब पूरा देखो, वरना पाप का तो पता नहीं, पर मेरा हाय जरूर लगेगा। जस्ट किडिंग, नहीं भी देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस पूरे मोहल्ले को छोड़कर तुम्हारा वाईफाई स्लो हो जाए, तुम्हारे घर की लाइट चली जाए और इन्वर्टर की बैटरी भी डेड हो जाए और तुम्हारा पूरा दिन बिना फोन के बीते। हैं, एक मिनट, ये श्राप है कि वरदान? खैर, जो भी हो, देख लो ना पूरा वीडियो प्लीज। द वॉचर प्रेजेंट्स हॉलीवुड मूवी ग्रैंडमास बॉय। देखो, हर कहानी की शुरुआत बुरी हो ऐसा जरूरी नहीं, पर ऐसी कहानी जब मिलेगी तब देखी जाएगी। इसमें तो अपना हीरो ही है। तो ये है एलेक्स, दिमाग से बहुत तेज रहता है, तभी तो एक टॉप गेम डेवलपिंग कंपनी में काम करता है। पर सुवर को कितना भी साफ पानी में नहलाओ, कीचड़ दिखने का देर है बस। कीचड़ दिखते ही वो उसमें कूद ही जाता है। वही हाल इसका भी है, और फिलहाल ये सुवर कीचड़ में कूदा नहीं है, बल्कि आराम से उसमें लेटकर सनबाथ ले रहा है। परिवार बसाने की उम्र में खुद तो रंडवा और नशेड़ी है ही, साथ ही रूम पार्टनर भी ऐसा चुना है जो इन सब में इससे एक कदम आगे है। और वो कैसे? तो ये अभी अभी जिसकी एंट्री हुई है, ये है इनका मकान मालिक, और ऑफ कोर्स ये इनका पार्ट टाइम मकान मालिक है और फुल टाइम गैंगस्टर। और ये यहाँ क्यों आया है? तो एलेक्स का जो दोस्त है, यानी ये भड़वा, पिछले 6 महीने से एलेक्स ने इसे जो रेंट के पैसे दिए थे वो सब इसने लौंडियाबाजी में उड़ा दिए है। एंड ऑफ कोर्स ये बात एलेक्स को पता नहीं थी। खैर, अब पता चल गई, पर अफसोस, अब क्या फायदा, इस जानकारी को पाने में ये लेट हो गया। तो बस फिर क्या, इसका मकान मालिक इसे 5 मिनट का टाइम देता है ना, सामान पैक करके निकलने के लिए नहीं, वही तो हड़प कर वो इनसे अपना भाड़ा वसूलेगा, बल्कि 5 मिनट इन्हें उसके नजरों से गायब हो जाने के लिए, वरना 5 मिनट के बाद वो ये कांच का बोतल उसके मुंह से डालकर गांड से निकाल देगा, क्योंकि अंडरवर्ल्ड का ये उसूल है, कुछ भी बर्दाश्त कर लेना पर धोखा ना। ले, तो बस फिर क्या, मकान मालिक के इतने प्यारे शब्द सुनकर अगले ही पल ये दोनों घर से बाहर। वैसे अब इसे याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब ये कहीं नहीं दिखने वाला, ठीक वैसे ही जैसे मेरी एक्स अब मुझे नहीं दिखती। खैर, इस मूवी में इसका काम इतना ही था, इसका घर तोड़ने का ही रोल मिला था इसको। इसे दूसरे शब्दों में आप इसे कमीना, हरामी, बेवकूफ, मदरचूत बोल सकते हैं। खैर, चर्सियों से और क्या ही उम्मीद रखना, ये इसे लिटरली बीच रोड में अकेला छोड़कर निकल लेता है। तो अब बेघर होने के बाद एलेक्स पहुंचता है दांते के पास। ये चर्ची नहीं रहता, सॉरी, केवल चर्ची नहीं रहता, बल्कि ये नशेड़ी सप्लायर था। किसी ने सही कहा है, नशेड़ियों के सिर पर छत रहे ना रहे, चरस जरूर रहना चाहिए। छत जुगाड़ करने से पहले वो चरस जुगाड़ कर लेते हैं। खैर, दांते इसका दोस्त भी था, तो इस वजह से भी वो इसके पास मदद की उम्मीद में जाता है, और ये दिल का बहुत अच्छा रहता है, ये इसे अपने साथ रखने के लिए मान जाता है। पर इसके साथ एक दिक्कत थी, नहीं, नशेड़ी था ये दिक्कत नहीं थी, ये तो इसके लिए प्लस पॉइंट था। दिक्कत ये थी कि ये नशेड़ी के साथ साथ दिमाग से क्रैक भी था, और साथ में जंगली भी। जंगली मतलब लिटरली जंगली। इसे जैसे ही पता चलता है कि इसका अगला पालतू जानवर दुम हिलाने वाला कुत्ता नहीं, बल्कि शरीर से मांस नोच लेने वाला शेर है, ये तुरंत इसके पास से कट लेता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतनी बड़ी कंपनी में काम करता है, इसके नॉर्मल दोस्त वगैरह नहीं है क्या, सभी दिमाग से खिसके हुए हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं है। पर एक तरफ जहां बदमाश के नाम पर सभी दिमाग से खिसके हुए ही थे, तो वहीं दूसरी तरफ शरीफ के मामले में सभी शरीफ के झाट थे। मतलब शरीफ इतना कि नहाते वक्त भी इन लोगों ने खुद को नंगा नहीं देखा था। खैर, क्या ही कर सकते हैं, अब रात रोड पर भी तो नहीं गुजार सकता था। तो ये जाता है इस बार जैफ के घर। अब जैफ बेचारा दिल का बहुत अच्छा था, तो ये अपने दोस्त को मुसीबत में देखकर एक अच्छे दोस्त की तरह उसकी मदद करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। बेचारे इसे पता नहीं था कि जिसके सामने वो हाथ बढ़ा रहा है, वो उसकी तरह अपने हाथों का इस्तेमाल सिर्फ खाने के लिए नहीं, बल्कि हिलाने के लिए ज्यादा करता है। खैर, इसे भी बाद में इसका पछतावा जरूर होता है। अब जैफ था दिमाग से बच्चा, तो वो अभी भी अपने मम्मी पापा के साथ ही रहता था। तो बस फिर क्या, आधी रात में इस कमीने को नींद ना आने की वजह से चढ़ती है ठरक, और ऐसे सिचुएशन में हर अकेला आदमी जो करता है ये भी वही करता है, ये तुरंत भागता है बाथरूम। पर इससे पहले ये अपने हाथों का गलत इस्तेमाल करता, जैफ की मम्मी इसे पकड़ लेती है, और एज एक्सपेक्टेड, नहीं, तुम जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वो नहीं होता है यहाँ, XXX मूवी नहीं है ये। तो एज एक्सपेक्टेड, आधी रात में इसे यहाँ से भी भागना पड़ता है, साथ में कमीना जाते जाते इस बेचारे की भी इज्जत नीलाम कर देता है। इससे दोस्ती रखने की वजह से ये भी अपनी माँ की नजरों में गिर जाता है। खैर, हर दरवाजा बंद होने के बाद मजबूरी में ये रात गुजारने अपने ऑफिस चला जाता है और वहीं सो जाता है। पर ऐसा भी नहीं है कि इसके पूरे किस्मत पर कुत्ते ने मुद दिया था। तो आज ये भड़वा यहाँ सोया था, और आज ही के दिन ऑफिस में एक नई टीम मैनेजर ज्वाइन होकर आती है, यही है इस फिल्म की हीरोइन, और झूठ बोलने में ये आगे तो था ही। तो इसे देखकर ये इसके सामने ऐसे दिखाता है कि वो रात भर काम कर रहा था, और काम करने में इतना बिजी हो गया कि घर जाने का टाइम ही नहीं मिला, जिस वजह से वो यहीं सो गया। कंपनी के लिए इसकी मेहनत देखकर, वैसे इसका नाम समंता रहता है, तो समंता इससे इंप्रेस हो जाती है। खैर, इसके बाद ये जाता है अपने किसी रिलेटिव के यहाँ पार्टी में, क्योंकि टाइम तो काटना है किसी तरह, और यहाँ इत्तेफाक से इसे इसकी दादी मिल जाती है। और यहाँ बातों बातों में इसे जैसे ही पता चलता है कि बुढ़िया अपने जिन दोस्तों के साथ रहती है, मतलब दादी अपने 3 दोस्तों के साथ अपना बुढ़ापा मस्त एंजॉय कर रही थी, तो इसे जैसे ही पता चलता है कि 3 में से एक टपक गई है और घर में एक कमरा खाली हो गया है। इस कमीने को यहाँ दिखता है मौका, अपॉर्चुनिटी, यहाँ इसे वो एड याद आ जाता है
कर दो दुनिया मुट्ठी में। बस यहाँ इसकी जरूरत फिलहाल घर थी, तो ये स्लोगन चेंज कर देता है और अपना नया स्लोगन बनाता है, कर लो घर कब्जे में। ये बढ़वा दादी दादी करते पार्टी के बाद इनके घर पहुंच जाता है। वैसे इनका नाम रहता है लिली, इनका ग्रेस और इनका बियर। और एक दादी के लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी कि उनका पोता उनके साथ रहने आया है, तो ये भी खुशी के मारे इसे अपने घर में रख लेती है। जिसके बाद एलेक्स की तो जैसे लॉटरी ही निकल जाती है। जनरली घर में मम्मी या दादी को होते हुए सबसे पहले तो खाने की टेंशन खत्म हो जाती है, तो बस जहां पहले भूख लगने पर इसे गांजा और प्यास लगने पर दारू से काम चलाना पड़ता था, यहां आने के बाद इसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब नसीब होने लगता है। इतना केयर देखकर इसके आंसू छलक जाते हैं। हालांकि बड़ा नशा करना नहीं छोड़ता, पर अब मजबूरी में नहीं बल्कि मजे के लिए करता है। ओके चलो हैप्पी एंडिंग खत्म, हैप्पी हैप्पी बहुत हो गया माहौल, इतने मीठे से डायबिटीज हो जाएगा। नाउ इट्स टाइम फॉर द ट्विस्ट। ये लोग इतनी भी प्यारी नहीं थी जितनी दिख रही है। शिकारी खुद यहाँ अब शिकार होगा। ये बड़वा भूल गया था कि ये जिन्हें चूतिया बनाने आया है वो इनकी माँ की भी माँ है। हाँ, दादी पोते का प्यार एक तरफ, इस नल्ले को अपने घर में पनाह देने का इनका मकसद सिर्फ ये नहीं था कि ये इनका पोता है, असल में इन्हें चाहिए था बंधुआ मजदूर। पेट भरकर खिलाने पिलाने के बाद ये लोग इससे काम नहीं बल्कि इसे खटाती हैं, शोषण करती हैं इसका। झाड़ू पोछा तो आम बात हो गई, वो तो करवाती ही है, घर का एक एक कोना इससे साफ करवाती है, साथ ही घर की मरम्मत करवाती है। सो अलग ना लेबर लगवा के नहीं, बल्कि यही मालिक था और यही लेबर भी, और यहाँ से ये इसका डेली रूटीन बन जाता है। तो देखा आप लोगों ने फ्री के चक्कर में फंसने का नतीजा। ऐसे ही आपको फ्री के हजारों कोर्स मिल जाएंगे जो आपको प्रॉमिस करेंगे वीडियो एडिटिंग सिखाने का, गाइड करने का, पर लास्ट में होने जाना कुछ नहीं है। और ये सब हम इसलिए जानते हैं क्योंकि 5-6 साल पहले जब हम भी अपना जर्नी शुरू किए थे तो ना जाने हम कितने बार चुतिया बने हैं। अब देखो, हम ये तो नहीं कहेंगे कि मेरा कोर्स बेस्ट है, क्योंकि वो ऑब्वियसली है, बोलने का जरूरत नहीं, पर मेरे कोर्स की बात करें कि इससे आप यूजफुल क्या सीखोगे जिसको आप रियल में यूटिलाइज कर सको, तो सबसे पहले आप सीखोगे वीडियो एडिटिंग, जिसके बाद आप चाहे वो इंस्टा रील हो या फिर यूट्यूब पर किसी भी तरह का लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट, ये सब आप आराम से एडिट कर लोगे। और इसके अलावा आपको मिलेगा गाइडेंस कि आप मेरे तरह वीडियो कैसे बना सकते हो, यूट्यूब पर सेफ कैसे रह सकते हो, बेमतलब के रिस्ट्रिक्शन से कैसे बच सकते हो, और भी बहुत कुछ, जो कि इतने कम पैसों में देखा जाए तो ये समझ लो कि अनार आपको धनिया के भाव में मिल रहा है। तो इंतजार किस बात की, आप लोग में से जो भी इंटरेस्टेड हो ज्वाइन कर लो जल्दी मुझे, आई एम वेटिंग फॉर यू। और हाँ, वेबसाइट का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा। तो बैक टू द स्टोरी, तो कहाँ थे हम? हाँ, बेचारा यहाँ आया था फ्री के चक्कर में, आखिर में मिला क्या तो फ्री के नाम पर थकान और उससे आने वाली नींद। बेचारे की लाइफ वापस घूम फिर कर वहीं आ गई, पहले नशे करके और हिला हिला के थकता था और अब झाड़ू पोछा लगाते लगाते। पर ये भी कमीना कम नहीं रहता, सुबह 5 बजे से ऑफिस जाने तक घर का सारा काम करके थक जाता था, तो ऑफिस में जाकर सोने का बहाना क्या देता था कि वो आजकल 3 मस्त मस्त आइटम के साथ रह रहा है। रात भर नए नए पोजीशंस ट्राई करने की वजह से बॉडी में थकान हो जा रही है। पता है रंडवों की खास बात क्या होती है? वो केकड़ों की तरह जलनखोर नहीं होते कि एक बाल्टी से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो बाकी मिलकर उसे पटक देते हैं। तो यहाँ जब समंता एलेक्स के बारे में पूछती है कि वो आजकल इतना शो क्यों रहा है और उसका काम कैसे चल रहा है, क्योंकि नए गेम के रिलीज का डेट नजदीक था और सभी पर प्रेशर बहुत था, तो ये लोग इसकी इज्जत बचाने के लिए हर बार इससे झूठ बोल देते हैं कि ये बढ़ावा ओवरटाइम की वजह से थक जा रहा है। ये लोग इसकी खुशी में ही खुशते हैं कि चलो किसी को तो लड़की मिल रही है ग्रुप में। खैर, ये सिर्फ नशेड़ी और लौंडियाबाज ही नहीं रहता, दिमाग से बहुत तेज भी रहता है। ये जब देखता है कि डेली डेली ऐसे काम तो चलने वाला है नहीं, और ये तीनों आखिरकार करे भी तो क्या, इनके बेटे इन्हें अपने साथ तो रखते हैं नहीं, और खाना बनाने के अलावा ये घर का काम कर भी तो नहीं सकती, इसमें इनकी गलती थोड़ी है, और सिर्फ इस वजह से ये भी इन्हें छोड़ देगा तो फिर कैसे चलेगा। तो ये इनकी मदद करने के बीच में ही टाइम निकाल कर अपना काम भी करने लगता है। हालांकि एक दिन ऑफिस में ये तीनों इसे लंच देने आती है तो इसका भांडा फूट जाता है कि ये 3 आइटम के साथ नहीं बल्कि 3 बुढ़ियों के साथ रह रहा है, जिसके बाद ये सब इसकी जो बेइज्जती करते हैं, सबको धोखा महसूस होता है कि इसने इनके लिए उनसे इतने दिन झूठ बुलवाया, वो तो बोलो किसी ने इसके मुंह पर थूका नहीं। खैर, आखिरकार सभी दोस्त थे और सभी का हिलाते दिन जा रहा था, तो ये लोग इस बात से भी खुशी होते हैं कि चलो इसका भी हिलाते ही दिन जा रहा है। वैसे फिलहाल ये सभी अपने हिस्से का काम कंप्लीट कर चुके थे, तो इस खुशी में इनका बॉस समंता से कहता है कि वो इन्हें पार्टी देने ले जाए, जिसके बाद ये ऐसे ही करती है। वैसे इससे मिलो, ये है जेपी, ये लोग जिस गेम पर काम कर रहे थे उसका डेवलपर यही है, और यही है इस मूवी का सस्ता विलन। और अभी तक इसके बारे में इसलिए नहीं बताए थे क्योंकि बताने लायक इसने अभी तक कुछ किया नहीं था, पर अब करेगा तो ये सही टाइम है बताने का। तो इसका भी समंता पर क्रश रहता है, और क्योंकि वो एलेक्स से इंप्रेस थी तो ये एलेक्स से जलता था। तो यहाँ होता ये है कि इसके हिस्से का काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ था तो ये इनके साथ नहीं जा पाता, और इसकी जैसी हरकतें थी इसे कोई ले भी नहीं जाना चाहता था, तो इसे ऑफिस में ही रुकना पड़ता है काम खत्म करने के लिए। नाउ फिलहाल इसे यहीं छोड़ते हैं और इन पर वापस आते हैं। देखो, अब ऐसा कह रहे इसका मतलब ये नहीं है कि इधर इनके साथ कुछ बुरा होता है, बल्कि इनकी पार्टी और धमाकेदार हो जाती है। दरअसल इनका बॉस जो था
वो अलग लेवल का क्या ही बोले, चलो फिलहाल बकचोद से काम चला लेते हैं। तो अलग लेवल का बकचोद था। दरअसल वो एक बार पहाड़ों पर छुट्टियां मनाने गया था और जब वापस लौटा तब से ज्ञानी पुरुषों जैसा प्रवचन देने लगा। और ये बात हम यहाँ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये इन्हें जिस होटल में भेजा था वहाँ ना तो दारू थी ना ही मुर्गा की टंगड़ी, सिर्फ शुद्ध शाकाहारी खाना। ये लोग जिस रफ्तार में होटल के अंदर गए थे, अंदर जाते ही इनका दिमाग सटकता है और ये लोग दुगनी रफ्तार में बाहर भागते हैं। पार्टी के नाम पर इन लोगों को आधी रात में रोड के किनारे खड़े होकर दारू पीना पड़ता है। पर जैसा कि मैंने कहा कि इनकी पार्टी धमाकेदार होती है तो दारू पीते पीते समंता को लगती है सुसु, और इत्तेफाक से एलेक्स का घर यहाँ से पास में ही था तो ये इन सबको तुरंत अपने घर लेकर पहुंच जाता है। अब यहाँ ये सोचकर आया था कि तीनों अब तक सो गई होंगी, पर यहाँ इन लोगों ने अलग तूफान मचा रखा था। और इनकी इस हालत का जिम्मेदार कौन था, तो ऑफ कोर्स यही मां से। दरअसल कुछ दिन पहले इसने अपने नशे की पुड़िया, वो जो चौथी दारू टपकी थी जिनके बदले इसे इस घर में जगह मिली थी, इसने वो पुड़िया उनके फेवरेट चाय की केटली में छिपा दिया था। तो इसकी गैर मौजूदगी में इसकी दादी ने आज वो देख लिया, जिसके बाद उन्हें लगा कि ये उनकी दोस्त की फेवरेट चाय पत्ती है। तो इन लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि देने के वास्ते उस पुड़िया की सही में चाय बनाकर पी डाली, जिसके बाद बस फिर क्या, कोई और पता इसकी जगह होता तो वो सोचता कि इन्हें कैसे संभाले, उसकी गांठ फटी पड़ी होती। पर ये तो ठहरा लिचड़, ये तुरंत फोन घुमाता है दांते को गांजे के लिए, और वो इससे बड़ा एड़ा था। तो उसे लगता है कि इसके यहाँ पार्टी चल रही है तो ये अपने साथ साथ चर्चियों के पूरे मोहल्ले को अपने साथ ले आता है। एंड देन नेक्स्ट यू अंदाजा लगा सकते हो क्या हुआ होगा। अच्छे खासे घर को ये कोठा बनाकर धर देते हैं। और ये ग्रेस, ये शुरू से देखने में सुगर मॉमी वाली कैटेगरी की लग रही थी, तो लगे हाथ ये भी इस मौके का पूरा फायदा उठाती है। इनकी उम्र का लिहाज करते हुए बस इतना ही बोलेंगे कि ये इस रात जेफ को जन्नत से रूबरू करवा देती है। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर दिक्कत, यानी इन सब में जो दिक्कत वाली बात थी वो ये कि नशे में एलेक्स जेपी को यहाँ का नजारा भेज देता है, जिसके बाद काम खत्म ना होने की वजह से एक तो वो पहले से डिप्रेशन में था, इन्हें मस्ती करता देख इसकी और जलकर राख हो जाती है। जिसके बाद ये अगले दिन रोते हुए इसके घर आता है कि उन लोगों ने उसके साथ ऐसा क्यों किया, वो इतना भी बुरा नहीं है जितना वो उसे समझते हैं, उसे ही मन करता है कि वो उनका दोस्त बने। इसे रोता हुआ देखकर एलेक्स यहाँ पिघल जाता है और यहाँ होता है मेन गेम। बताए थे ना कि ये दिमाग से तेज भी था, तो ये बिना किसी को बताए जेपी से भी तगड़ा गेम बनाए हुए था, बस कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से किसी को बताता नहीं था। तो रोते रोते जब यहाँ जेपी की नजर इस पर पड़ती है, और ये अब तक एलेक्स को यकीन दिला चुका था कि वो अच्छा है, तो यहाँ ये एलेक्स से भरोसे का फायदा उठाते हुए इससे कहता है कि वो उसके गेम को रिलीज करने में उसकी मदद करना चाहता है, पर क्योंकि इसके लिए उसे इस गेम को डिटेल में चेक करना होगा तो क्या वो एक रात के लिए उसके गेम को ले जा सकता है। अब यहाँ एलेक्स को इस पर भरोसा था ही, तो ये तुरंत इसकी बातों में आ जाता है और इसे अपना गेम दे देता है, जिसके बाद बस फिर क्या, अगले दिन ऑफिस में ये इसके गेम को अपना बनाकर सबके सामने प्रेजेंट कर देता है। हालांकि एलेक्स ऑब्वियसली इसका विरोध करता है, पर कोई प्रूफ ना होने की वजह से बॉस को लगता है कि ये मजदूर झूठ का सहारा लेकर जल्दी सक्सेस पाना चाहता है। हालांकि जैसा कि हम बताए थे कि ये पहाड़ों पर से आने के बाद संत बन गया था, तो ये एलेक्स को निकालने के बजाय ज्ञान देने लगता है कि एक मर्द को कभी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए, एक मर्द अपनी मेहनत से मर्द बनता है। ये गाली ये नहीं देता है बल्कि इसके ज्ञान से सटक कर एलेक्स देता है और खुद कंपनी से रिजाइन कर निकल जाता है। पर क्योंकि इस बकचोद को छोड़कर सभी को एलेक्स पर विश्वास था और उन्हें उसकी फिक्र थी, तो यहाँ आता है एक ट्विस्ट, और वो क्या, तो एलेक्स की खबर देने के लिए जब ये लोग इसके घर में फोन करते हैं और इनकी बात इसके दादी से होती है और ये सारी बात दादी को बताते हैं, तब यहाँ इनकी बात सुनकर दादी यहाँ भांडा फोड़ती है कि वो गेम सच में एलेक्स का ही है, और इस बात को वो प्रूफ भी करती है। जेपी को जितना पता नहीं था यहाँ दादी उससे ज्यादा उस गेम के बारे में बता देती है, क्योंकि एक दिन में ये गेम के सीक्रेट्स थोड़ी पता कर पाया था। अब एलेक्स चलो गेम टेस्टर था तो चलो सबको लग रहा था कि गेम के बारे में उसे पता है तो ये नॉर्मल बात है, पर यहाँ दादी को भी पता है ये तो नॉर्मल नहीं है। तो यहाँ बॉस को भी यकीन करना पड़ता है कि ये गेम एलेक्स का ही है, जिसके बाद बस फिर क्या, इधर जेपी को काम से लात मारकर निकाल दिया जाता है और एलेक्स को प्रमोट करके टेस्टर से डेवलपर बना दिया जाता है। और यहाँ एक बात और पता चलती है, जब दांते यहाँ एलेक्स के साथ आता है तब बॉस की ज्ञान वाली बकचोदी सुनकर इसका भी सटक जाता है, जिसके बाद इससे रहा नहीं जाता और ये डायरेक्ट पूछ देता है कि तू कौन संभाल फूकता है बे, जो इस लेवल की बहकी वहकी बातें करते रहता है, तेरा डीलर कौन है। तब यहाँ बॉस के मुंह से निकल जाता है कि तुम ही तो हो, जिसके बाद यहाँ दांते को याद आता है कि अरे हाँ बॉस भी उसके बाकी कस्टमर में से एक है, और यही था जिसने बॉस को पहाड़ों में पहली बार फुकवाया था, जिसके बाद से ये वापस आने के बाद ज्ञान चोरने लगा था। बड़वा हर वक्त नशे में हाई रहता था। और हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि दादी को गेम की नॉलेज इतनी कैसे हुई, तो जब एलेक्स पूरे घर की सफाई करने में बिजी रहता था तब टाइम पास करने के लिए वो उसकी गेम रोज खेला करती थी। तो बस ये थी पूरी कहानी। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही, वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, तबीयत आज बहुत खराब है मेरा। तो इस तरह की और मूवीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करते जाना।